हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैलेंज। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। काफ़ी लोग नए जो इन्वेस्टर हैं और जो नए ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेड ले लेते हैं, उधर सीधा ट्रेड ले लेते हैं, निकली ट्रेड ले लेते हैं, उससे क्या होता है उनको लॉस हो जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि मार्केट अगर समझ लीजिए कि ऊपर जाने वाला और आप ट्रेड ले लेते हैं और वो भी ऐसा जाता है कि मार्केट ऊपर चला जाता है और आपको प्रॉफिट भी बन जाता है, लेकिन 10 में से 3 ही बार ऐसा होता है और 7 बार आपको क्या होता है कि मार्केट जो भी आप सोच रहे हैं उसके अपोजिट चला जाता है और आपको नुकसान हो जाता है। तो कभी भी आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करे बिना अगर ट्रेड लेते तो वहाँ से डेफिनेटली आपको लॉस होने वाला। कभी कभी तुक्का काम कर जाता है लेकिन हर बार नहीं करता, और वहीं पर क्या होता है कि आपको लॉस, अच्छा खासा लॉस आपको हो जाता है। आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लगातार लॉस करते जाते हैं और जब आपको लॉस होता तो आप उसमें से एग्जिट कर लेते। उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि लाओ लॉस को कवर कर लूँ, तो आप दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, निकेट ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आपको वहाँ से कमाना है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है और यहाँ से आप अच्छा खासा पैसा, बहुत अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं। अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलने वाला, लेकिन अगर आप बिना स्ट्रेटजी के यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। तो कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्ट्रेटजी लगाकर ही इन्वेस्ट करना है। तो आज आपके लिए वीडियो बना करके लाया हूँ, इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्ट्रेटजी के बारे में और उससे किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी हो, किस तरीके से आपको, मतलब समझ लीजिए आपके मैक्सिमम मिनिमम लॉस कितना होगा वो भी आपको पता चल जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो भी आपको पता चल जाएगा स्ट्रेटजी वाइज। तो वीडियो जिस जिसको अच्छा लगे लाइक करना, वीडियो के बारे में जिसके भी कमेंट कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग आयरन कॉन्डोर के बारे में। ये एक स्ट्रेटेजी है, इसका नाम है दोस्तों, ये सेंसिबल पर आप जा सकते हैं, वहाँ से स्ट्रेटेजी बिल्डर पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ रेडीमेड स्ट्रेटेजी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आपका व्यू है मार्केट गिरेगा तो देख लीजिए, मार्केट बढ़ेगा तो आपको ये देख लीजिए, बुलिश वाले पर क्लिक करेंगे तो बुलिश से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको लगता है आपका व्यू है कि मार्केट गिरेगा तो उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी आपको देखने के लिए, अगर आपको ये लगता है कि ना ही मार्केट यहाँ से ज़्यादा गिरने वाला है ना ही उठने वाला है, मार्केट जो है साइडवेज रहेगा, इस तरीके से बीच में चलेगा, तो उसके लिए आप ये नेचुरल वाले पर क्लिक करके जा सकते हैं और फिर ये अदर का ऑप्शन है। तो भाई हम किसी पर भी क्लिक नहीं करेंगे, हम अदर पर चले जाएंगे। हमको लगता है हमारा कोई व्यू ही नहीं है मार्केट गिरेगा या उठेगा। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट गिर भी सकता है उठ भी सकता है, दोनों सूरत में आपको प्रॉफिट लेना है, दोनों जगह से प्रॉफिट लेना है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग आयरन कॉन्डोर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बनी बनाई स्ट्रेटजी मिल जाती है। इसमें आपको क्या करना है स्ट्रेटजी में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका प्रॉफिट और लॉस आपको पहले ही देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप पहले से कोई स्ट्रेटजी ले लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, और आपके अपोजिट मार्केट जा रहा, आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट तो यहाँ से गिरने लगा, तो ये जो 5,000 रुपये आपके जीरो होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी होता बहुत जल्द इसमें उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर कभी भी आपको काम करना है तो स्ट्रेटजी के थ्रू ही आपको यहाँ पर काम करना है दोस्तों। अब देख लीजिए यहाँ पर निफ्टी 50 दिख रहा है, अब आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर निफ्टी 50 में नहीं करना, बैंक निफ्टी में करना, तो हम यहाँ बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी पर क्लिक करके हम अदर पर आ जाएंगे, फिर लॉन्ग आयरन कॉन्डोर पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो बनी बनाई स्ट्रेटजी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। इसी तरह से लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। लॉन्ग स्ट्रेडल है तो लॉन्ग स्ट्रेडल की बात कर लेंगे, या फिर कॉल रेशियो स्प्रेड है इसकी भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पुट रेशियो स्प्रेड है, तो काफ़ी सारी स्ट्रेटजी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाने वाली है। तो लॉन्ग स्ट्रेडल है देख लीजिए, इसकी भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे लॉन्ग आयरन कॉन्डोर की बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रेटजी के अंदर 4 कॉल वगैरह आपको बाय करनी पड़ेगी, टोटल 4 ट्रेड करने पड़ेंगे। इसमें देख लीजिए, एक तो ये 21 अप्रैल की एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर निफ्टी कितना चल रहा है, 37,463 चल रहा है, ठीक है। अभी आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए, सेल करना है। दो आपको क्या सेल करना है, एक कॉल सेल कर देना, एक पुट सेल करना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बाय करना है। अब आपको बाय क्या करना है, एक पुट बाय कर लेंगे और एक कॉल बाय कर लेंगे, कितने कितने पर करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप पहले सेल करते हैं तो इसका मार्जिन जो है बहुत बढ़ जाता है। अभी किस तरीके से बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए मैं अनटिक कर दूंगा। जब आप ये दो सेल करेंगे देख लीजिए, स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पर ये चार्ट आपको बदलता हुआ दिखाई देगा, जैसे ही आप यहाँ प्रोसेस करेंगे चार्ट आपको बदलता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक। अगर आप दो सेल करते हैं तो यहाँ पर फंड्स नीडेड मार्जिन कितना, 1,37,000 आपको दिखा रहा है। अगर आप पहले सेल करते हैं तो काफ़ी मार्जिन आपको यहाँ पर
आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, हम इस पर से हटा देंगे। पहले आपको क्या करना है, बाय करना है। जब आप यहाँ बाय करेंगे तो आपका मार्जिन देख लीजिए कितना, 9773 रुपये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको बाय कितने पर करना है, अभी मार्केट कितना चल रहा है, 37463, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पुट बाय करेंगे, हम एक पुट बाय करेंगे 37000 का, ठीक है। 37400 चल रहा तो पुट बाय करेंगे 37000 का, और एक कॉल बाय कर लेंगे हम 38000 का। यानी अपोजिट 200-200 पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हैं, 100-100 पॉइंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मार्जिन आप देखेंगे, अब हम ये दो सेल कर देंगे, कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया, तो यहाँ पर मार्जिन कितना दिखा रहा है, 42763 रुपये। लेकिन अगर आप पहले ये ले लेते हैं, सेल कर देते पुट और कॉल, तो इसका मार्जिन आप देख लीजिए अनलिमिटेड हो जाता, तो इतना सारा मार्जिन हमारे पास नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, पहले बाय करना है, उसके बाद सेल करना है। तो आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी 42764 रुपये, ये चार ट्रेड में टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक। इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना, अब यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट आप देखेंगे कितना हो सकता है, 7073 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इस ट्रेड पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर मैक्सिमम लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 5428 रुपये का ही लॉस होगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी नहीं लगाते और ऐसे ही ट्रेड ले लेते, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है 43 या 44 हज़ार, वो पूरा का पूरा आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन जब आप स्ट्रेटजी लगा लेते हैं कोई भी, तो आपका लॉस जो है लिमिटेड हो जाता है। तो मैक्सिमम लॉस आपका 5 ही हज़ार होगा, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर रिस्क देखेंगे तो 0 दिख रहा है आपको, लेकिन रिवॉर्ड आप देखेंगे तो 77% आपको देखने के मिल रहा है। इसके चांसेस बहुत हैं कि स्ट्रेटेजी आपकी काम कर जाएगी और जो लॉस आपको दिख रहा है ये आपका नहीं होने वाला है। यहाँ ब्रेक इवन आप देखेंगे तो 36782 से 38217, ये आपका ब्रेक इवन, अगर इसके बीच में मार्केट घूमता है तो ये लॉस आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके साथ में प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे तो 47% है, यानी चांसेस हैं 47% आपको कि आपकी स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी, 7000 का प्रॉफिट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। तो जो ये POP है, प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर रिटर्न इसके हिसाब से देखेंगे तो 5% के आसपास के रिटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका मार्जिन मैंने आपको बता दिया, इतना मार्जिन आपका यहाँ पर लगने वाला है। अब यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस वगैरह तो आपने देख लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाता है। पर आप ग्राफ पर देखिए, अब यहाँ पर ग्राफ के ऊपर हम बात करेंगे, स्ट्रेटजी चार्ट के ऊपर देख लीजिए। अगर मार्केट 38,000-34,800 पर चले जाता है, मान लीजिए मार्केट टूट गया, ठीक है। अभी मार्केट कितना चल रहा है, 37463, और अगर मार्केट 34,000 तक चले जाता है तो देख लीजिए आपको 7000 रुपये आपका प्रॉफिट एक्सपायरी तक आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं से अगर 35,700 पे भी चले जाता है तो भी आपका 7000 का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ तक आप देखेंगे तो 7000 का प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो हो गई गिरने वाली बात। अब मान लीजिए मार्केट, आपको तो पता ही नहीं गिरेगा कि उठेगा, मार्केट उठ गया, अगर मार्केट उठता है 38500 पे चले जाता है, अभी मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, 37463, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँगा, देख लीजिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मार्केट देखिए 38500 साइड पर अगर चला गया, उठ गया, तो आपका प्रॉफिट एक्सपायरी तक कितना है आप देख सकते हैं। 18 अप्रैल को 3000, लेकिन एक्सपायरी तक यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो 7073, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको देखने के लिए। मार्केट कितना भी आगे चले, तो मार्केट मान लीजिए 40,240 चला गया तो भी आपका प्रॉफिट है। तो मार्केट कितना भी उठता है कितना भी गिरता है, आपको दोनों ही सूरत में यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बस ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है, रेड एरिया यहाँ पर मार्केट जो आपका ब्रेक इवन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 36800, तो अभी आपका लॉस कहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख लीजिए रेड कलर का जो ये एरिया है। अगर मार्केट मान लीजिए 36800 पर आ गया तो आपको 1928 रुपये का लॉस दिखा रहा है एक्सपायरी डेट पर, ठीक है। अब वहीं पर मार्केट अगर 36940 पे आ जाता है तो आपको 4000 के आसपास का लॉस यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर आ जाता है 37260 पर, तो आपको जो 5428 रुपये का जो मैक्सिमम लॉस है वो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। वहीं पर इस तरफ जाएंगे, मार्केट देखेंगे 38160 पर अगर चला जाता तो आपको 1400 रुपये के आसपास, यानी कुल मिला करके ये जो रेड वाला एरिया जो है यहाँ का, इसके अंदर अगर मार्केट यहाँ पर रह जाता है तो आपको ये लॉस है 5428 का लॉस हो जाएगा आपको यहाँ से। और अगर मार्केट जो ग्रीन एरिया जो ऊपर का ये है यहाँ पर, अगर मार्केट कहीं पर भी रहता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का जो चांस है वो भी 47% के आसपास प्रॉफिट का चांस है, तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर से करना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय।